हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगी, ये देखिए, मॉस रोज़ एंड पॉर्चुला के बारे में। दोनों ही सैकुलेंट की वैरायटी हैं दोस्तों। अपने अंदर इस तरह से पानी रखते हैं अपनी टहनियों में, तो आप ये इतना अच्छा प्लांट है दोस्तों कि अगर आप इसमें काफ़ी दिन तक पानी भी नहीं डालें तो ये अपनी जो स्टेम्स में पानी रखते हैं उससे ये पानी लेते हैं और काफ़ी दिन तक आपको हेल्पफुल रहते हैं। तो गर्मियों के सीज़न का ये सबसे बेस्ट प्लांट है और लेस केयरिंग है, और छोटी सी छोटी टहनी भी आप इसके लगाएंगे तो बहुत ईजी हो जाता है, ईजिली ग्रो हो जाता है दोस्तों। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये दिखाती हूँ आपके साथ, ये DIY मैंने बनाया था पहले और आज शेयर कर रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से इसकी सारी ये हो गए मेरे ब्रांचेस, इसमें देखिए ये छोटी छोटी लगाई थी और सब बहुत अच्छे से और हेल्दी ग्रो हो रही हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं दोस्तों। ये ऐसा नहीं कि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, देखिए इस वाले में येलो कलर हो रहा है दोस्तों। और ये भी मेरे जो हैं लास्ट ईयर की टहनियाँ हैं, अलग अलग लगा रखी हैं, तो कभी किसी में कोई फूल खिलता है, कभी किसी में कोई फूल। तो देखिए टहनियाँ इस तरह से हो रही हैं। तो ये मॉस रोज़ जो होता है दोस्तों, बहुत है समर्स का बहुत ही बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, और अभी जब आप इसे लगाएंगे तो आपके ये बरसात से लेके पूरा विंटर में काफ़ी नवंबर तक ये अच्छे से चलता है आपके पास। उसके बाद धीरे धीरे करके ये ख़राब होना स्टार्ट होता है। हाइब्रिड वैरायटी जो होती है दोस्तों इसकी, वो जल्द नेक्स्ट ईयर नहीं बचती है, लेकिन जो देसी वैरायटी होती है उसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए अपने पास संभाल के रख सकते हैं इस तरह से कटिंग के ज़रिए। जैसे ये देखिए मैंने लगाया था, तो ये मैंने सबको लास्ट ईयर गमलों से निकाल के एक जगह ये कलेक्ट कर दिया था, और देखिए अब इसमें कलर आएंगे तो मैं आपके साथ फ्लावरिंग भी शेयर करूँगी दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसको अपने घर में कहाँ कहाँ लगाया है, और ये सबसे बेस्ट प्लांट है दोस्तों। इसको आप छोटी सी जगह में भी लगाएंगे तो देखिए कितने अच्छे से चल जाता है। ये देखिए ये लास्ट ईयर के हैं दोस्तों मेरे, तो मैंने इसी में लगा रखा है, ये बॉटल के देखिए इतने से इतनी बॉटल में लगा रखा है और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये देखिए इसमें व्हाइट रंग का फ्लावर आ रहा है मेरा, और इसमें देखिए ये पिंक कलर है, पिंक के भी मेरे पास कई सारे शेड है फ्रेंड्स। तो देखिए आप इतनी सी छोटी सी स्पेस में भी ये बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है, और कुछ नहीं चाहिए इसे, बस सीज़न के जब स्टार्टिंग होती है उसी टाइम पे इस पर थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए तो ये बहुत अच्छे से चलता है। कोई भी आपको केमिकल फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, बस आपको इसको जो है ऑर्गेनिक दीजिए, चाहे आप इसको जो काउडंग मैन्योर है एक या दो दिन भिगा के रखिए पानी में, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दीजिए, वो ठंडक देता है रूट्स को और रूट्स बहुत अच्छे और हेल्दी से ग्रो करती है। या तो आप उसको सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में वो धीरे धीरे करके रूट्स एब्जॉर्ब करती है, लेकिन दोनों ही फॉर्म बहुत बेस्ट है। आप इसमें अभी ये दे सकते हैं और कोई और फर्टिलाइज़र की नहीं ज़रूरत है। दूसरे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी रखा है मैंने, ये भी मेरे लास्ट ईयर के हैं और ये वाइट है, अलग अलग कलर के हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हुई थी अभी, और ये पिंक है, तो ये लास्ट ईयर वाले हैं, ये चल रहे हैं। पर देखिए आपको ये पॉर्चुला देख रहे हैं, पॉर्चुला में जो है इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, मॉस रोज़ में नहीं है। मॉस रोज़ बिल्कुल सही और हेल्दी ग्रो हो रहे हैं, लेकिन पॉर्चुला में देखिए इस तरह से फंगस की ये हो रही है, मिली बग्स टाइप की प्रॉब्लम, मिली बग्स लगे हुए। तो इसमें मैं जो है, आप लिक्विड फंगीसाइड बना के डाल सकते हैं, उसमें आप लोग जो हैं सबसे पहले जो होता है नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, अगर उससे चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं अब डालूंगी इसमें नीम ऑयल का स्प्रे फ्रेंड, दिन में नहीं डालूंगी, शाम के वक्त डालूंगी, क्योंकि धूप में जो होता है प्लांट हमारा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और अगर उससे नहीं जाते हैं तो फ्रेंड, दूसरी भी मेरी वीडियो है शेयर कर रखी है मैंने, आप इसमें जो है थोड़ा सा जो किचन का जो हमारा लिक्विड यूटेंसिल वाला जो हमारा विम बार वो विम लिक्विड होता है वो डालिए, थोड़ी ड्रॉपलेट या शैम्पू के लीजिए, और उसी में आप लोग क्या कीजिए इसको बना के डाल दीजिए। तो उससे भी क्या होता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है फ्रेंड बहुत ही सॉफ्ट होती है इन मिली बॉक्स की, तो जैसे ही इनमें जब हम इस तरह का डालते हैं तो इनमें जैसे बॉडी में वो एकदम से ये छोड़ देते हैं उसको प्लांट को। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वो डालिए इस तरह का बना के, मैंने वीडियो भी शेयर कर रखी है फ्रेंड, और नहीं तो पहले नीम ऑयल से चले जाए तो बहुत अच्छा। तो ये देखिए इसमें भी कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। और जब भी आपके प्लांट में फ्रेंड आप चाहते हो कि लॉन्ग टाइम तक आपका प्लांट फ्लावरिंग करे, तो जब भी ये प्लांट जब ये कलियाँ इसकी खिली हुई हट जाती हैं, फूल खिल गया हट गई है, तो इसको इस तरह से ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से तोड़ दीजिए दोस्तों। तो जब आप इसे यहाँ से तोड़ देंगे तो आपके प्लांट में क्या है, और अच्छी अच्छी कलियाँ आएंगी, नई नई ब्रांचेज बनेंगी और कलियाँ खिलेंगी, तो आपका प्लांट अपना आप ही हेल्दी ग्रो हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये काम करते रहिएगा, नहीं तो ये जो जितनी एनर्जी होती है ये सीड्स बनाने में लगा देगा। सीड्स ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में फ्रेंड्स, ये देखिए
एक मिनट है दिखाती हूँ आपको ढंग से। ये देखिए ये काले काले सीड्स बन रहे हैं दोस्तों। तो नहीं तो ये सीड बनाने में लगाएगा तो ये प्लांट हेल्दी ग्रो नहीं होगा। तो इसीलिए देखिए मैंने ये प्लांट ऐसे ही छोड़ रखा था आपको दिखाने के लिए कि इसमें देखिए सीड बना रहा है ये, तो जिसकी वजह से प्लांट आपका अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये प्लांट के फ्लावर खिल जाते हैं तो आपको ये खिले हुए फूल थोड़े थोड़े टिप से कट कर देने हैं, जिसकी वजह से क्या है आपका ये देखो इसमें कितने सारे सीड्स बने हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सीड्स, तो ये सीड्स जो होते हैं ना हमारे जहाँ भी गिरेंगे वहाँ ये जर्मिनेट हो जाते हैं फ्रेंड। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए, तो ये अपना आप नेक्स्ट सीज़न में अपना आप उगते हैं, आपको मैं दिखाऊंगी। तो हाइब्रिड वाले जो होते हैं फ्रेंड ये नेक्स्ट ईयर तक नहीं चलते हैं। ये देखिए ये भी सीड पॉट है आपका, ये नेक्स्ट ईयर तक नहीं चलते हैं फ्रेंड, ये ख़राब हो जाते हैं। जैसे इसमें ज़्यादा बारिश पड़ती है ना तो ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो आपके देसी वाली वैरायटी होती है ना, जैसे ये वाली देखो मेरी, ये वाइट है फ्रेंड मेरा, तो ये अपना आप मेरे नेक्स्ट सीज़न में अपना आप ही मेरे साथ बने रहते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट प्लांट है, इस टाइम पे डालिए, छोटी सी जगह में बहुत आराम से चलता है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, वन डे फ्लावर्स खिलते हैं इसके दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं चलते, एक दिन तक खिले रहते हैं, उसके बाद वो सूख जाते हैं और सूखे हुए आपको निकालते रहना है। नहीं तो कोई से भी फ्लावर फ्रेंड जब भी खिल जाता है खिलने के बाद आपको उसको हटा देना है, सीड्स आपको जो थोड़े बहुत बनाने हैं वो रखिए, अदरवाइज़ जो है उसको हटाते रहिए सीड्स को। इस तरह से देखिए जैसे मैंने अभी ये हटा दिया इसमें से, क्योंकि जैसे ये रहेंगे तो ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं दोस्तों। तो ये काम आपको करते रहना। ये देखिए ये वाला मेरे पास दूसरा कलर है, देख रहे हैं आप, तो कितने सारे कलर हैं मेरे पास जो हो रखे हैं इस बार, तो बहुत सारे हो रखे हैं दोस्तों। अभी आपको दिखाती हूँ कि लास्ट ईयर के भी मेरे जो थे वो अपने आप जम गए हैं, ये देखिए। तो ये सब काम हमें करते रहना है फ्रेंड, ये जब हम प्लांट में सब काम करते हैं तो इस तरह से देखिए कितनी सुंदर सुंदर कलियाँ बनती है, और जब ये खिलती हैं तो बहुत ही सुंदर हमारा प्लांट लगता है। तो ये देखिए दोस्तों कि मेरा अपने आप ही जम गया है, और ये लास्ट ईयर का है दोस्तों ये भी, और अपने आप ही देखो सीड पॉट से अपना आप ही नया प्लांट मेरा ये खुद ही यहाँ पे गिरा है और खिल गया। ये देखो इसमें भी एक मेरा ये बन प्लांट हो रखा है, यहाँ पे भी ये देखिए ये वाला हो रखा है, ये रेड कलर है, वहाँ पे देखिए वो छोटा सा एक वहाँ पे जम रहा है। तो ये सब अपने आप ही हो जाते हैं फ्रेंड, एक बार अगर आप मॉसरोज़ आपके गार्डन में आ गया तो आपको दोबारा कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये आपके पास बना रहता है और बहुत ही अच्छा चलता है फ्रेंड। देखिए ये मैंने अपने गार्डन में भी लगाया है, तो आपके अगर आपने अभी तक इसको नहीं लाए हैं तो आप अपने गार्डन में लाइए और अपने गार्डन की भी ब्यूटी बनाइए। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय फ्रेंड्स।